पिछले बार हमने एक्सपोनेंशियल लास्ट में कवर किया था, तो हमने ये देखा था कि अगर हमको कोई चीज की पावर देनी है जैसे 2 की पावर 3, तो हम उसको डबल स्टार देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल होगा, 2 क्यूब है बेसिकली ये, तो 8 आ जाएगा। अब होता क्या है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी कार्य के लिए अलग अलग फंक्शंस बनते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स बनते हैं, प्रोसीजर, सब रूटीन, इस तरीके से सब हर लैंग्वेज में अपने अपने नाम होते हैं। तो पाइथन में भी कुछ ऐसा है, अगर मैं इसी चीज को कुछ ऐसा करना चाहूं तो आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है इसका। और आप देखेंगे कि ये POW, तो ये पावर फंक्शन है, इसके अंदर मैंने पहला पैरामीटर पास किया जिसे हम जो 2 है और सेकंड जो है वो 3 है, एक इसमें वैल्यू है एक उसकी पावर है। तो ये पावर क्या करता है, POW फंक्शन डायरेक्ट पावर निकाल देता है। इसी तरीके से कुछ और भी फंक्शंस मैं देख लेता हूं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं किसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर ऐसी वैल्यू निकालना चाहता हूं कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो पहले देखते हैं 12.3 कर देते हैं इसे, आप देखें 12.3 आ जाएगा, माइनस साइन हट जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो ये फंक्शन हो गया एब्सोल्यूट वाला। अब एक और ट्राई करते हैं, फ्लोर, आपको पता है फ्लोर क्या है, फ्लोर यानी कि अगर मैं इस पूरे स्क्रीन को बताऊं आपको तो ये फ्लोर है, ये सील है, कोई भी वैल्यू अगर आएगी तो अगर वो उसका फ्लोर निकालेंगे तो ये आएगा और सीलिंग निकालेंगे तो अपर पार्ट आएगा। इसको भी करके देखते हैं, कोई वैल्यू इसी को देख लेते हैं 12.3। अरे ये तो एरर आ गई, ये एरर इसलिए आई है क्योंकि ये कुछ फंक्शंस हैं, देखिए POW ये किस कलर में है और फ्लोर उस कलर में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इजिली अवेलेबल नहीं है, ये किसी न किसी लाइब्रेरी फाइल में होगा, तो उस फाइल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम ये काम कर देते हैं मैथ, तो ये मैथ में आपके है, अगर हम इंपोर्ट मैथ कर देते हैं और फिर इसको चलाते हैं, जैसे मैथ उसका तरीका क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, और इसका फ्लोर निकालते हैं फिर से, तो देखें आपका क्या आता है इसमें, और आप रिजल्ट देखेंगे तो यहां पर कोई भी एरर नहीं है। फ्लोर जैसे मैंने बताया था 12.3, इसका फ्लोर 12 होगा, इसका सीलिंग 13 होगा। तो यहां पर देखिए आपने ये फ्लोर यूज किया, इसी तरीके से और फंक्शन यूज करते हैं हम, मैथ डॉट आप SQRT कर सकते हैं, ये स्क्वायर रूट निकालेगा, आप किसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे, जो वैल्यू आप यहां देंगे, चलिए 36 का निकालते हैं, हमें पता है क्या इसका स्क्वायर रूट जो है वो 6 होता है, तो 6.0 इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। और अब और भी अगर आप देखें तो क्या इसमें फेरबदल कर सकते हैं हम, बार बार ये लिखने की जगह, जो मैथ डॉट फ्लोर लिखने की जगह आप क्या करिए, इसको एक वेरिएबल में डाल दीजिए और फिर आराम से आपको करना क्या है, बस आप ये वेरिएबल लीजिए और ब्रैकेट में ये वैल्यू डाल दीजिए जो आप डालना चाहते हैं। तो बार बार आपको देखिए सेम रिजल्ट इस लाइन का और इस लाइन का आपको सेम रिजल्ट है, अंतर बस ये है कि मैथ डॉट फ्लोर हमें लिखना नहीं पड़ा। ये तरीका हुआ आपका फंक्शंस का, ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है, आगे और भी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखिए होता क्या है कि जैसी मैं इस पाइथन शेल को बंद करूंगा तो ये सारी चीजें जो मैंने यहां पर दर्ज की हैं, आपको बताई हैं, ये सारी हट जाएंगी, यानी कि ये मेमोरी रैम में स्टोर्ड होती है और हट जाती है। लेकिन आप चाहेंगे कि अगर आप कुछ लिखें तो उसको सेव भी कर सकें, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो आप एक फाइल करिए, न्यू फाइल, ऐसे न्यू फाइल आप ओपन कर सकते हैं, और जब नया फाइल ओपन करेंगे, मैं यहां ले आऊं इसको, इसमें आप करिए अपनी कोड या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए। मैं एक सिंपल प्रिंट लिख देता हूं जस्ट चेक करने के लिए, प्रिंट और दिस इस फाइल, न्यू फाइल कर देते हैं, और जब आप इसे सेव करें
यहां पर गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे पाइथन का। आप इसको जब सेव करेंगे, जब भी इसको सेव करेंगे तो आप देखिए, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं, इसका जो नाम है, जैसे मैं करता हूं टेस्ट, ये py, ये जो डॉट py है ना, इस नाम से सेव करना आपको, डॉट py मतलब पाइथन, तब ये पाइथन फाइल बनेगी। इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए ये डॉट टेस्ट डॉट py के नाम से सेव हो गई है। अब आपको करना क्या है कि कुछ इसको रन करा देते हैं। पहले रन मॉड्यूल के लिए आप यहां पर F5 दबा दीजिए। आप देखिए यहां पर दिस इज फाइल चल गया। ये तरीका मैं आपको बता रहा था। उससे पहले देखिए यहां पर अपने आप ये कोई क्लाइंट चली रीस्टार्ट, तो ये शेल रीस्टार्ट हुआ है। जब आप नई फाइल चलाएंगे तो शेल अपने आप रीस्टार्ट होगा। देखिए इसका एग्जीक्यूशन ये हुआ है। कुछ और करके देखें, यानी कि कुछ एक्स वेरी में एक रॉ इनपुट ले लेते हैं। रॉ इनपुट से क्या होता है कि जो भी इनपुट दे रहा है, जो भी इनपुट आ रहा है, उसको आप उसी तरीके से जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, उसे इंटरप्रेट करता है। और अभी अब एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं नाम यहां पर एंटर कराता हूं यूजर से, तो सबसे पहली लाइन चलेगी कि रॉ इनपुट जो भी इनपुट है, अगर मैं यहां पर कोई और इनपुट दे दूं तो वो किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को मैच करने की कोशिश करेगा। रॉ इनपुट में आप जो भी देंगे वो उसी उसमें चेंज हो जाएगा प्रारूप में। तो आप ये आ गया आपका, आप यहां पर प्रिंट करा दीजिए बस। प्रिंट हाय, थोड़ा स्पेस दे दीजिए और यहां पर आप एक्स कर दीजिए। तो ये कहीं कुछ सेमीकॉलन वगैरह नहीं लिखाना, हम एक टेस्ट डॉट पाइथन में ही चेंज कर रहे हैं। ये एक नई फाइल बनाई हमने, इसको हम सेव कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसे रन कराएंगे। देखिए क्या होता है इसमें। अब जैसे ही हमने रन कराया तो यहां पर देखिए इसने बोला नेम डालिए आपका। जैसे ही हम नेम डालेंगे देखिए क्या बोलता है, यहां पर आपका रिजल्ट आएगा आपका हाई हाई और यहां पर प्लस एक्स, क्योंकि आप प्रिंटिंग करा रहे हैं। लेकिन चक्कर यह है कि आप जब इसको आपने रन कराया तो रन हो गया, लेकिन आपको कुछ दिखा नहीं। जैसे मैंने यहां पर कुछ यहां पर लिख दिया तो दिखा नहीं। ये देखिए हाई अभी आ गया, लेकिन जब ये कभी जब शेल कमांड पे चलाएंगे, जब इसको यहां पर किसी सीएमडी पे चलाएंगे, इसको रन सीएमडी पे आप अगर चला दें, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाएंगे, या फिर ये डायरेक्ट इसको रन करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये नेम है ना, यहां पर देखिएगा मैंने इसको किया क्या है, मैं आपको जरा बता दूं। मैंने ये फाइल जो है इसको मैंने डायरेक्ट रन कराया है, रन करते ही ये नेम आ गया है, मैंने यहां पर ऐसे नाम दिया तो ये बंद हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं ये बंद हो गया। उसके लिए क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए जैसे हम C++ में गेट CH वगैरह यूज करते थे, यहां पर भी हम यही तरीका अपनाएंगे। हम कुछ ऐसी चीज लिखेंगे जिससे ये रुक जाए। तो अगेन फिर जो भी यूजर इनपुट देना चाहे, हम रॉ इनपुट ले लेते और रॉ इनपुट के बाद हम यहां पर प्रेस, यूजर से बोलेंगे कि प्रेस कोई एंटर करे या जो भी वो कैरेक्टर एंटर करना चाहता है। एंगल ब्रैकेट में डालिएगा इसको। अब इसको सेव कर दीजिए। रन मॉड्यूल ये तो यहां पर तो ऐसे ही चलेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस एंटर आएगा। लेकिन अब अगर इसको डायरेक्ट आप पाइथन, क्योंकि पाइथन जो फाइल है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल है, तो उसको देखते हैं वो कैसे होगा। यहां पर इसको सेव करके बंद कर दीजिए और ये जो फाइल है इसको डबल क्लिक करके चलाइए। देखिए नेम, अब यहां पर वही चीज दोबारा हम देंगे। जैसे देंगे तो ये रुक गया, ये एंटर का वेट कर रहा है अभी। जैसे एंटर करेंगे तब ये बाहर जाएगा। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का।